वेलकम टू अंजना थानकिस किचन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं क्या बनाने वाली हूँ बताओ। आज मैं कॉर्नफ्लोर का हलवा बनाने वाली हूँ। कॉर्नफ्लोर वो वाला जिसकी हम रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें मैं ये वाली 3 चम्मच घी डालूँगी। घी हल्का सा पिघल जाए तो मक्के का आटा लिया है 1 बाउल, वो इसमें हम डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से सेकना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक, या इसके कच्चापन जो है वो दूर हो जाए तब तक हम इसे हल्की आंच पे सेकें। दो से 3 मिनट में एकदम मस्त सुनहरा कलर आ चुका है। इस टाइम पे यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता कट करके लिए है, वो इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। अब हमने एक साइड में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो जितना आटा उसका 3 गुना पानी हम लेंगे गर्म वाला, वो भी इसमें डाल देते हैं। बीच बीच में मिक्स करते जाएंगे। गांठें ना पड़ जाए उसका ख्याल रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाए। अगर ज़्यादा पुराना आटा रहेगा तो थोड़ा सा और भी पानी चाहिए, अदरवाइज 3 गुना पानी इनफ है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और पूरा पानी इस तरह से डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आंच को थोड़ी सी फास्ट करेंगे और पानी और आटा अच्छी तरह से मिल जाए तब तक इसे मिक्स करेंगे। पानी अच्छी तरह से मिल चुका है और साइड ये जो है वो घी छोड़ने लगी है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे शुगर, जितना आटा लिया है उतनी शुगर, मतलब 1 बाउल हम शुगर डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। हलवा अपना रेडी हो चुका है। इसमें अभी हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है इसकी। मिक्स कर लेंगे। और लो जी, मक्के के आटे का हलवा अगर किसी ने नहीं खाया है तो ज़रूर से बनाइए। अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, रेडी है मक्के के आटे का हलवा, मकईना लोटनो शीरो। जेने नथी खादो या जिसने नहीं खाया है वो जल्दी से बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हमने थोड़े से पिस्ता से गार्निश किया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। थैंक यू।